ये खंजर ओके वेस्ट मनी किसने तुम्हारा पैसा खाया? ये चीटिंग की है मारिया ने, क्योंकि मारिया ने पहले देख लिया था कि इसमें वेस्ट मनी है, जानबूझ के यही खोला है। हाँ मारिया, तुम्हारा पैसा कहाँ डूबा? उन्होंने कोशिश की है इंग्लिश में लिखने की, वेस्ट मनी। हाँ। मैं तुम्हें उर्दू में बता देती हूँ, उर्दू में लिख देते भाई। पैसे डूब गए, पैसे डूब गए। इस हिसाब से तो बहुत दफा टूटना चाहिए ना, मार दो फ्रस्ट्रेशन निकाल लो सर। वो नाम बता दो ना, कल परसों जो बता रहे। सीरियसली ऑनलाइन ऑर्डर्स पे? ऑनलाइन पे नहीं, तो बहुत जगहों से पैसे नहीं मिले। प्रोडक्शन हाउसेस से एक नाम है इसके ज़हन में, बद्दुआ दे दिया करो, अल्लाह प्रोडक्शन हाउस बंद कराए। नहीं नहीं, बद्दुआ तो नहीं देते, बट ऐसा होता रहता है। तो हाँ, क्या तो इतना डर क्यों रही हो? पैसे खाए उन्होंने तुम्हारे? नहीं, बेसिकली बहुत सेफ चल रही है, बहुत सेफ चल रही है। मारिया लाइव है, मांग लो पैसे। तुम्हारे डर की वजह से तो पैसे खा वेस्ट हो गया, चले गए खा गए। मेरी दोस्त से शो की पावर समझो मारिया। मेरी दोस्त मुझसे पैसे ले जाती है उधार। हाँ, रिश्तेदारों ने भी नाम लो कौन नहीं किए। रिश्तेदारों को वो सब बेचारे अभी तो तुमने काम करना शुरू किया। लोगों को लगता है मैं अमीर हूँ, लेकिन हूँ नहीं। तो तुम उनको उधार दे भी देती हो? उधार भी, इवन मेरे जो ड्रेसेस हैं, जो ज्वेलरी है, वो सब मेरी दोस्त से ले जाती, फिर वापस नहीं करती मुझे। रिश्तेदार कैसे लोगों में उठ रही बैठ ऐसे हमारे दोस्त क्यों नहीं है यार, ऐसे दोस्त हमें भी चाहिए। यह लड़की की कहानी। हाँ। ये मेरे साथ भी होता है, जितनी मैं फ्रेंड्स जाती हूँ उनके साथ भी होता है। मैंने कहा कौन सी फ्रेंड है जो करती है? हाय अल्लाह, मेरी दोस्तों की तो आज मुझे इज्जत महसूस हो रही है। कपड़े भी, और क्योंकि उन्हें लगता है पीआर में मिल रहे हैं तो हम भी ले लेते हैं, वो फिर वापस ही नहीं। एक और खोलो कोई, बस यही दुख भरी कहानी थी। अच्छा, जोया को भेजे ना, जोया को स्पॉटलाइट में डालें थोड़ा। अम्मी अबू ने भी तो कभी दिल दुखाया होगा ना कभी। हाँ, छोटी छोटी बातें मत घूपो अम्मी अबू। नहीं नहीं, हाँ, ये 12 से लेके 16 साल की उम्र के दरमियान जो है ना, बच्चे इतने रेबेलियस होते हैं। हाँ। उनको लगता है कि अम्मी अबू जो है ना वो हमारे अगेंस्ट है। तो हाँ, अम्मी अबू से भी होती रहती है कभी। अम्मी अबू किस बात पे टोकते हैं? जैसे लाइक मुझे तेज बोलने पे टोकते थे बहुत। अच्छा, आपको तेज बोलने पे टोकते थे? मुझे शायद ज्यादा कपड़े लेने पे, ज्यादा पैसे खर्च करने पे। शॉपिंग कर रही हो, ये कहाँ लेके जाना है, ये ऐसे है वैसे है, तो शॉपिंग पे तो मेरी अच्छी खासी बहस होती थी। और उसके बाद ऐसा, अच्छा ठीक है सॉरी, मैं अब सेव कर लूंगी। बस अभी अब यही हुआ, अम्मी अबू के साथ यही होता है, बस झगड़ा होता है कि पैसे तुम बहुत वेस्ट करते हो, इससे ज्यादा। चलो अब जोया तुम आओ, आ जाओ लेडीज फर्स्ट। मैं सारे खोल लूं? कोई भी दो, कोई भी, और छोरा घोप दो उसमें। हाँ, सेट की याद? हाँ मुझे आती है। सेट पे किसी ने खंजर घोपा हो? हाँ, दिल पे? हाँ। उल्टी, कैमरा इधर नहीं है, उधर 5 कैमरे उधर। नहीं, दो ऐसे सेट्स थे जहाँ पे मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई। हाय अल्लाह, नाम ले लो। वो एआरवाई के सेट्स नहीं थे, सो यू गुड। अच्छा, नहीं तो क्या हुआ था तुम्हारे साथ? ये नहीं बताओ कि कौन से सेट थे, ये बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ ज्यादती क्या हुई थी। अभी मैं ट्रैक कट किया था एक में। अरे, कटवा दिया किसी और हीरोइन ने? तो नहीं कटवाया था तुमने? नहीं, हीरोइन ने नहीं कटवाया। हाँ, हीरोइन तो बहुत अच्छी। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने कटवा दिया? हाँ, क्योंकि तुम लेट? हीरो ने कटवाया था। लेट आती थी या क्या प्रॉब्लम थी? मैं कभी लेट नहीं, मतलब हीरो ने कटवाया था। हाँ, हीरो ने कटवाया था। क्यों? और वो मान भी गया कि मैंने कटवाया। फिर मैं क्या कर सकती थी? तो हीरो को तुमसे क्या दुश्मनी थी? मुझे नहीं पता। तुमने उसको कन्फ्रंट किया, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, और फिर तुमने कुछ नहीं कहा? नहीं किया, एक दिन बैठे बैठे उसने मुझे खुद ही बता दिया। ब्रेक के बाद पूछूंगी। क्या जोया, यार बुरा नहीं मानना, लेकिन मैंने तुम्हारा ट्रैक कटवाया था, ऐसे बोला था उसने। हाँ हाँ, क्या पता झूठ बोल रहा हो। नहीं, जोया तुम वैसे कितनी अच्छी, तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कि मैंने तुम्हारा ट्रैक कटवाया था, तुमने कुछ नहीं कहा, तुमने इग्नोर किया। अल्लाह जानता है कि मुझे नहीं पता था कि उसने मेरा ट्रैक कटवाया है। आई हैड नो आईडिया। ऐसे कैसे ड्रामों में ऐसा होने लगा है? ये तो पुरानी फिल्मों में होता था ऐसे पहले। But you know what? कुछ भी हो जाए। उसने मेरे रिश्तेदारों को एडमिट किया था पहले, बाय द वे। वजह नहीं पूछी। वजह पूछने का फायदा क्या है? जब हो जो हो गया वो हो गया। अच्छा, एक तो ड्रामे में ट्रैक कटा, वहाँ दिल पे खंजर घोपा, दिल दिल ही दिल में, दिल ही तो है वाली चीज आ गई, मतलब दुख गया दिल। फिर दूसरी दफा क्या हुआ? अच्छा नहीं, मुझे लगा सेट की याद, तो दो मैंने सेट इसलिए बताया कि दो सेट्स की मुझे याद आ। तो दोनों पे यही हुआ था, ट्रैक कटा था? नहीं नहीं, ट्रैक नहीं कटा था, मुझे पहले लिखा है सेट की याद। हाँ, तो मुझे लगा कि आप ऐसे सेट की बात करें जिसकी यादें बहुत अच्छी हो, तो दो ऐसे सेट। नहीं, अच्छी नहीं, बुरी याद। हाँ, इसमें ये दिली बुरी यादों के लिए। हाँ। अच्छा नहीं, अच्छा ये एक ही दफा हुआ था। अच्छा, अब दूसरा वो खोलो कोई दरवाजा। रिश्तेदारों ने कभी कोई खंजर घोपा दिल पर?
तो खंजर तो मार दो रिश्तेदार. बहुत सारे खंजर है, एक ही से क्यों वो कह रहे हो. हाँ रिश्तेदारों ने किया. हाँ. क्या बेटी ड्रामो में जा रही है. अब्बा की अम्मा के कान भरे. मैं कितनी फप्पे कुटनी लग रही हूँ. अल्लाह बिल्कुल सही बात बता रही है. जो पहले होता था पहले की थी आपकी पर निकला है वो निकला है वाकई पर लगा के भी आ गया. अच्छा फिर अम्मी अब्बू कभी गुस्सा हुए कभी बातों में आए रिश्तेदार. और तुम्हें ये भी पता था कि कौन से रिश्तेदार है जी. हाँ, हाँ, वो तो घर के सामने कह रहे होते थे कि आपकी बेटी तो ऐसी आपकी बेटी तो ऐसी. हाँ. अम्मी अब्बू कहते हाँ जी हमारी बेटी ऐसी हमारी बेटी ऐसी. हाँ तो तुमने उनको कुछ नहीं कहा. नहीं उन्होंने कहा आप अपनी बेटी को नहीं देख रहे जाए अपनी बेटी. मैं क्या करूँ नींद में अभी तक मुझे मेरी टीम करिए आप पूरे लव उसके मुंह में करिए. कॉफी मंगवाए मेरे लिए प्लीज. इसको कॉफी में ना कोक काली वाली जो है वो डाल के देना ज्यादा. नहीं मतलब मेरी बात सुने आप सो रही हैं. कोल्ड ड्रिंक मैं बता रही थी एक टोटका है कि जब आपका बिल्कुल आपको नींद आ रही हो तो ब्लैक वाली जो कोल्ड ड्रिंक है वो आप कच्ची वाली कॉफी जो होती है. अच्छा। वो उसमें डाल दे. हाँ ये फिल्म की जब शूटिंग थी ना और जब मैं शूटिंग पे मतलब जब प्रोडक्शन कर रही थी कैफीन होगी ना उसके अंदर. yes. भी कैफीन होती है इसके अंदर भी कैफीन जब होती. मेरी कैमरा मैन थे उन्होंने इट्स नॉट हेल्दी लेकिन नो नो दोस थिंग्स आर हेल्दी. वो जो बिल्कुल सो रही है और इस वक्त उसको एक्टिंग अगर करनी होती है एनर्जी चाहिए होती तो क्या करे. एक्टिंग में सोते हुए भी कर लेती हूं. उनसे पूछे मैं सेट पे सो रही आपको सीन है मैं उठ के फौरन चल पड़ती हूं सेट पे सीन करने. ठीक है आ जाए अली आपकी बारी. ओए होए होए आ जाए स्कूल. मतलब कोई बुरी यादें स्कूल से. स्कूल की कोई खंजर खोपने वाले किसी ने दिल दुखाया हो. नहीं दिल तो मैंने दुखाया है स्कूल में टीचर्स का. बता दूं पोक कर देते हैं. अच्छा सो बेसिकली स्कूल में ना मैं बहुत शरारती था. हाँ. ठीक है स्पेशली क्लास 7 से क्योंकि पहले मैं ब्रिटिश सिस्टम में था. जब मैं अमेरिकन सिस्टम में गया तो क्लास 7 और 8 में. हाँ. तो मेरे कुछ ऐसे दोस्त बने शुरू में ही कि वो होते हैं ना कि स्कूल के बैक बेंचर्स और वो जो शरारते करते हैं. हाँ, और तो हाँ. उनके साथ मेरी दोस्ती यारी हो गई. हाँ. तो हम टीचर्स को तंग करते थे और क्लास बंक कर रहे होते थे दिस एंड दैट. तो फिर मेरे घर पे फोन आता था कि जी आपका बेटा जो है वो उसको आप संभाले. हमें डिटेंशन मिलती थी कि जी जब ब्रेक टाइम होता था जब रिसेस टाइम होता था तो हम डिटेंशन में होते थे एक कमरे के अंदर बंद है और वही सारे दोस्त यार बंद है. हाँ. क्योंकि हर डिफरेंट क्लास में से डिटेंशन मिलती थी और वहीं हम बैठे हुए ब्रेक टाइम में और वहीं गपशप कर रहे हैं तफरियां कर रहे हैं. शुगर लग रहा है लेकिन डिटेंशन है. हाँ. तो ये वाली ये मतलब आपने दिल दुखाया टीचर्स का. हाँ. हाँ. लेकिन मेरा दिल किसी ने नहीं दुखाया. अच्छा दिखाए दूसरा वो कुछ खोले. ट्रोलर्स ने खंजर घोपे दिल पर. ट्रोलर्स जो कमेंट सेक्शन वाले हैं जो रियल लाइफ मैं बड़ी अच्छी बात करूंगा इस पे. हां कोई भी ट्रोलर्स होते हैं. और देखें एक चीज मैंने सीखी है कि जब आपको हेट मिलता है ना इसका मतलब ये है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं. ये मुझे एक और बात भी बोली थी जब मैं रेडियो कर रहा होता था ना हमारे बॉस थे डॉक. ठीक है तो उन्होंने बोला अली याद रखना तुम शो करो ना 2 घंटे का शो है. हाँ. ठीक है लाइव शो है. कह रहा है कि यहाँ मैसेजेस तुम्हें नजर आ रहे हैं लाइक लाइव मैसेजेस आ रहे हैं. ओके. He's like, it takes 1 rupee to ruin your show. अभी तुम शो कर रहे हो अच्छे मूड में ये वो फलाना अभी एक मैसेज आएगा यार तुम बहुत घटिया शो कर रहे हो तुम्हें तो शो करना नहीं आता. हाँ. ये वो फलाना एक्स वाई जी उन्होंने बोल दिया आपका आप फुल जो है डाउन हो गए ना. आपने कहा यार ये क्या हो गया मेरे साथ. एक नेगेटिव एनर्जी आ जाती है आपके ऊपर ना फिर आपने शो डिफरेंट तरीके से करना शुरू कर दिया. तो ये चीज मैंने सीखी. सो जो ट्रोलर्स हैं ट्रोलर्स अभी भी आते हैं. अगर आप हमारे इंस्टा हैंडल्स होते हैं अगर हम कभी कमेंट्स देखें कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी चीज आएगी जो आप पढ़ेंगे आप कहेंगे यार ये क्या है. लेकिन अब आदत सी हो गई है. हाँ. कि हम कहते हैं हाँ ठीक है ओके आगे बढ़ो वो वाला सीन है कि एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो या फील ही ना करो. हाँ. तो टोरस का ये गेम तो वो तो है लेकिन फिर भी कभी तो होगा ना जैसे अब आपने अपने आप को ये डेफिनेशन दे दिया और अपने आप को समझा लिया लेकिन कभी तो दिल तोड़ा होगा उनकी वजह से कभी तो दिल में खंजर घुपा होगा. हाँ ऑफ कोर्स शुरू में कभी कभार मैसेजेस आते थे रेडियो पे कि यार तुम बुरा शो कर रहे हो या ये होता था फलाना. तो वो चीज़ें फील होती हैं अभी भी आते हैं मैसेजेस जहाँ आप पढ़ते हैं तो आप कभी कभार बैकफुट पे हो जाते हो आप सोचते हो यार ये क्यों बोल रहे हैं. लेकिन फिर वही बात है कि यार ये कीबोर्ड वॉरियर्स हैं. हाँ ठीक है ना समझ आ गई इनका काम ही यही है. कभी मुंह पे आके नहीं बोले कभी भी नहीं. मसला बताऊँ क्या है. अच्छा मसला बताऊँ कि सबसे जो वर्स्ट चीज़ है वो ये है कि
जब हम मैसेजेस देखते हैं ना तो हमारे अंदर हमारा ईगो जो है ना वो जाग जाता है ना, तो हम कहते हैं यार हम जरा एक रिप्लाई भेजते हैं इसको, इसकी नानी याद दिल बड़ा है वैसे वो वाला सीन है, इसको इसकी नानी याद दिलाते हैं अभी रुक जाओ तो, लेकिन वो गलत है हमारे एंड से, क्योंकि हम वो लिखेंगे हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे, हमने अपने आप को भी लो कर दिया ना. Exactly. So we have to make sure that we take care of. और वो लोग शायद करते हैं इसीलिए कि आप उनको थोड़ी तवज्जो दें, प्रोवोक करने के लिए, की वजह उनको रिप्लाई करें जिन्होंने अच्छी कमेंट्स लिखी. कभी कभी आपको बुरा कोई कमेंट आया है ना तो आपने आगे से कभी रिप्लाई कर दिया मजाक में भी कुछ, तो आगे से कहते हैं थैंक्स फॉर द रिप्लाई. हां वो टोन बदल जाती है, फॉरन टोन बदल जाती है. लेकिन आप पता नहीं मुझसे बर्दाश्त होता, मैं तो पर्सनल मैसेज पर जाके मैसेज कर देती हूं आप. हां किसी ने ना मुझे, मैंने मायरा की तारीफ की थी तो किसी ने, मतलब मैं किसी और के लिए भी नहीं सुन सकती, तो किसी ट्रोलर ने उसपे नीचे लिख दिया क्या तारीफ करी है फलाना फलाना, कोई उसकी बुराई की, मैंने उसको पर्सनल पे जाके इतना सुनाया, मैंने कहा खबरदार तो अपने काम से काम रखो. आपके मैं देखो मुझे निदा यासिर से मैसेज आया, वो स्क्रीनशॉट हो गया, नहीं तो बुरा मैसेज आया ये नहीं कहेगी. एक रह गया, अब कौन जाएगा, कोई लकी करेगा. दानिया सर, आपने मुझसे दो करवा लिया, आप एक ही करवाती ताकि सबको बारी मिले. रिपीट भी कर सकते हैं, सारे दरवाजे खुल गए हैं तो अब चूज कर सकते हैं. पहला तो ऑब्वियसली ये देखो कितने किफायत चाह रहे हैं, छुरे और उठाने हैं. स्कूल, स्कूल बिकॉज़ स्कूल में ऑब्वियसली मैंने लोगों का दिल तोड़ा है, बिकॉज़ मेरा ये सीन था कि आई यूज्ड टू बी अ वेरी गुड फुटबॉलर. अच्छा, तो मैं क्या करता था, मैं ना हमारे टीचर मैथ्स वाले थे, सॉरी सर अगर आप देख रहे हैं प्लीज माफी चाहता हूं आपसे. तो हमारे सर का क्या सीन था, हमारे सर आते थे ये दरवाजे से उन्होंने एंटर होना, मैं दरवाजे के पीछे छुपा होता था. Okay. मुझे मानना होता था बंक, मुझे जाना होता था. अच्छा मेरा ये था कि आई वाज वेरी पॉपुलर इन स्कूल, तो मैं किसी के भी अगर गेम लेसन में जाता था ना ग्राउंड में तो मुझे एक्सेप्ट करते थे कि आए फुटबॉल खेलने, बिकॉज आई वाज पॉपुलर इन फुटबॉल. अच्छा, तो मैंने क्या करना, मैं दरवाजे के पीछे छुप जाता था, ये सर एंटर होते थे मैं यहाँ से निकलता था और बाहर, और मैं जाके खेलता था फुटबॉल. दूसरा मैं ये करता था कि मैं ना पैरोडीज करता था. अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स की, जो कि अब उनको भी पता कौन कौन है, मैं नाम नहीं लूंगा, मिमिक्री कह ले. तो इस तरह मैंने बहुत दिल तोड़े. और एक बार इस तरह हुआ था कि मैं पैरोडी कर रहा था एक टीचर की, एंड आई वाज डांसिंग पूरे वो क्लासरूम के अंदर, और एकदम सारी क्लास हंस रही है, तालियां मारी और सब चुप हो गए. सब चुप हो गया, मैं को यार ये क्या, मैं मजा नहीं आ रहा, मैं क्या अच्छा नहीं कर रहा, कुछ क्या हुआ है, और मैं कर ही जा रहा हूँ, और पीछे देखा तुम्हारी प्रिंसिपल थी, और उन्होंने फिर मुझे कान से पकड़ के ले गई. और ये होता था कि हफ्ते में एक आध बार मैं सस्पेंड होता था, बट आई वाज अ गुड स्टूडेंट, आई वाज अ गुड स्टूडेंट. लेकिन ये प्रिंसिपल कही थी, ये जरा सी मुझे तुम्हारी एक्टिंग के नजर आ. अब प्रिंसिपल कहती है, प्रिंसिपल कहती कि हमाद हमारे स्कूल में था और ये सीन था सारा, तो प्राउड तो मैंने उनको फील करवाया, लेकिन तंग भी बहुत किए मैंने. तो इसलिए पहला ये वाला. ओके, दूसरा ट्रोलर्स. यप, ट्रोलर्स, बिकॉज़ सीन ये कि मेरा ये है कि मैं जब मेरी कोई तारीफ करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अगर कोई मेरी बुराई कर दे तो अब उस चीज़ को मैंने हैंडल करना शुरू कर दिया. पहले मैं बहुत दिल पे ले लेता था बहुत ज़्यादा, तो मुझे अगर 15 लोग या 20 लोग अप्रिशिएट कर रहे थे ना, और बीच में एक कहता था अबे जा तू के, तो वो वाला सीन मेरे दिल पे लग जाता था कि यार ये इसको नहीं कहना चाहिए था, तो उसकी वजह से ना मेरे थोड़ा होता था कि दिल टूट जाता था. लेकिन अब वो चीज़ चेंज होना शुरू हुए, अब ये होता है कि मैं उस चीज़ पे फोकस ही नहीं करता, अब मैं उस चीज़ पे फोकस ही नहीं करता, अब मैं ये देखता हूँ कि कौन लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे मैं फिर कोशिश करता हूँ कि किसी ना किसी तरह अपने आप को इतना बेहतर करूं कि जो लोग मेरे एंटी हैं वो भी मुझे पसंद. अच्छा, आप नोट करें ट्रोलर्स जो आपको ट्रोल कर रहे होंगे और जो लिखेंगे आपके लिए, मैं तो उनके प्रोफाइल पे जाके चेक करती हूं, तो मुझे समझ आ गई इसको दिल पे नहीं लेते, तो ये चीज होती है और ये रहेगी, बिकॉज यू आर पब्लिक फिगर. आप जब नजर आओगे और आप अपना राइट दे रहे हो लोगों को कॉमेंट करने का, या तो अगर आपको बहुत बुरा लगता है आप कॉमेंट ऑफ कर दो, उसके बाद कोई आप पे कमेंट करेगा ही नहीं. लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार अगर क्रिटिसिज्म भी आप लेते हो उसको पॉजिटिव वे में, तो करो ऑन, फेस करो उस चीज को, और अगर कोई आपको नहीं पसंद कर रहा तो अपने आप को इतना बेहतर बनाओ कि वो आपको पसंद करे. भाई बेहतर होते हैं ज्यादा तो ज्यादा ये आने लगते हैं उल्टे पुल्टे मैसेज, बट डजंट मैटर, चाहने वाले ज्यादा हैं तो फिर क्या, तो फिर क्या परसेंटेज. ये दो ही मेरी मेमोरीज थी. सही, अब दानियाल की बारी. जी दानियाल, वो लास्ट वाला बिल्कुल सही बचे. ऑडिशन, ऑडिशन पे खंजर घोपा है कहीं यार, ये तो बहुत अच्छा हो गया. नहीं खंजर नहीं घोपा वैसे,
वैसी हालत अपनी ही ऐसी देखो सच्ची बात मैं आपको एक बात बताऊं जिस जमाने में सिर्फ पीटीवी होता था बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के खंजर घुपे हैं दिलों में साफ बोल दिया जाता था क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे नहीं वो मुझे पता होता था ना मैंने कारनामा क्या किया तो रिजेक्शन होती है तो कैसा दिल बुरा होता नहीं था मेरा तो ऐसा कोई खंजर घुपा नहीं उसमें अच्छा तो कुछ कहीं और कर ले भाई चुप नहीं रहना बोलना है वो किसी और जगह खंजर घोप के बोलो रिश्तेदारों पे ये बड़ा दर्द है दूसरों को रिश्ता मांगा नहीं गया अभी तक और अच्छा ओहो एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्टेशन नहीं मतलब अब तो लड़का कमाऊपूत हो गया है कमाऊपूत हो गया है एज होती जा रही है कब करेगा कब रिश्ता मांगेगा तो ये वाला सिचुएशन है तो उसमें ज्यादा तो बेचारी मेरी अम्मी हर्ट होती हैं कि भाई कर ले अब तो तुम मैं क्या तो करवा दे तो फिर कहती हैं कि आपको रिश्तेदारों ने क्या खंजर घोपे नहीं ऐसा कुछ कोई स्ट्रगल कर रहे होते हैं तब थोड़े से आते हैं ना जुमले के भाई बेटे से कौन वो पढ़ लेता हाँ, ये भी कभी कभी होता है ऐसा शुरू शुरू में ये हुआ था जब आई वाज वेरी पैशनेट मैंने जब स्टार्ट किया तो अब बिकॉज आई डिसाइडेड कि ये मेरा करियर होगा तो उस पे जब मुझे वो मैसेजेस भेजते थे कुछ व्हाट्सएप पे ना ये नई जॉब आई हुई है ये कर लो मैं यहाँ पे सुबह शाम खुआ रहा हूँ जॉब थोड़ी करनी है हाँ तो इस टाइप की चीजें हर्ट कर ये वाली चीजें बस बस